उतरा हुआ तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। तुम जो बोलोगी मैं करूंगी, तुम जब कहोगी मैं घर से बाहर जाऊंगी, तुम जब कहोगी मैं घर में वापस आ जाऊंगी। प्लीज पवित्रा, प्लीज मेरी बच्ची को खाना दे दो, तुम्हारा हर काम करूंगी पवित्रा, मेरी बच्ची को खाना दे दो पवित्रा। पवित्रा देखो, पवित्रा भूख से रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया है, थोड़ा सा खाना दे दो पवित्रा, उसकी जान में जान आ जाएगी वरना वो। ठीक है, ये लो। खिला दो उसे। पवित्रा, ये फर्श पे गिरा हुआ खाना मैं अपनी बच्ची को कैसे? तो क्या चाहिए तुम्हें? एहसान मानो कि ये तो मिल रहा है। उठा लो पराठा और खिला दो अपनी बच्ची को, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो भूख के मारे। रसीली भाई, ठीक ही तो कहा रसीली भाई ने, लेकिन फर्श पर गिरा खाना कैसे खिलाएंगे बच्ची को? क्यों नहीं खिला सकते बड़ी माँ, आखिर खाना तो खाना ही होता है ना। ये क्या कह रही हो पवित्रा? सच्चाई। तुम्हारी बच्ची भूखी है ना, तो उसके लिए काफी है। सोच लो, फैसला अब तुम्हारे हाथ में। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? अपनी भूखी बच्ची के लिए खाना नहीं ले जाओगी क्या? पवित्रा, तुम उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी के साथ खेल रही हो, तुम भी एक माँ हो, तुम्हारा दिल ये सब करने से तुम्हें रोकता नहीं? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं हम लोग। ओफो, तुम्हारी सारी बकवास सुन सुन कर ना मेरे कान पक गए हैं। अच्छा चलो, तुम लोग ही बता दो मुझे कि और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? जाहिर सी बात है कि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा रही हूं कि ये टुकड़ा उठाने में ही तुम्हारी भलाई है। वरना बाद में ये भी नसीब नहीं होगा। सरस्वती,
फर्श पे गिरा खाना क्यों उठा रही हो? वो बाहर किरण के लिए खाने की थाली ले जा रही थी तो पराठा गिर गया, बस वही उठा रही थी। उसे रख दो और नई थाली में खाना लेकर किरण के लिए जाओ। सरस्वती, पराठे पर थोड़ा सा मक्खन भी लगा लेना कि किरण को बहुत पसंद है। बाप, अब कमरे में जाइए और आराम कीजिए, मैं तब तक आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। ठीक है बेटा। जय श्री कृष्ण जानवी। जय श्री कृष्ण संता बहन। अच्छी देखरेख कर रही हो मंदिर की, बस ऐसी ही देखभाल करती रहना। जी। जानवी बेटा, पूरे राज पिपला में इस मंदिर की नवरात्रि मानी जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं और फिर पंडित जी पहचाना? राधा जी, आप जानवी जी? राधा जी, ये है जानवी। जीती रहो बेटा। जानवी, ये है राधा जी, राजपिपला के पास नंदगांव में नुपुर नृत्य केंद्र चलाती हैं ये। ये है भूमि, मेरी शिष्या। कहिए, राजपिपला में कैसे आना हुआ? दो दिन बाद राजपिपला में एक बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है, उसी में भाग लेने आई है भूमि। आशीर्वाद लो बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। कहिए राधा जी, आपका नृत्य केंद्र कैसा चल रहा है? क्या बताऊं पंडित जी, जी जान से मेहनत कर रही हूं उस केंद्र को चलाने के लिए। बड़े अफसोस की बात है कि आजकल के बच्चों को नृत्य का शौक ही नहीं है। आजकल के माँ बाप चाहते नहीं कि उनके बच्चे ये कला सीखें। मैं इस कला को मरते हुए नहीं देख सकती। अब तो बस राजपिपला में इस डांस कंपटीशन पे पूरा निर्भर है, इसीलिए मैं अपनी सबसे अच्छी शिष्या को लाई हूँ। अगर भूमि ये डांस कंपटीशन जीत जाती है तो नूपुर नृत्य केंद्र को एक नया जीवन दान मिलेगा, हमारी एक अलग पहचान होगी। हमारे अस्तित्व और हमारी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होगा। और भगवान न करे अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। राधा जी, आप निराश मत होइए, कला के प्रति आपकी लगन और नियत सच्ची है, और जब सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के आप किसी के अस्तित्व को बचा रहे हो तो फिर कितनी भी कठिनाइयां आए, देखना जीत आप ही की होगी, आप ही को कामयाबी मिलेगी। बेटा, मैं तो हिम्मत हार ही चुकी थी, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे एक नया हौसला दिया है। खुश रहो। अच्छा पंडित जी, चलती हूँ।
चलो बेटा। राधा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ चलूं। वो क्या है ना, मुझे नृत्य का बहुत शौक है। बेटा, जो उत्साह मैं आजकल के बच्चों में देखना चाह रही थी वो मुझे तुम में नजर आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि तुम मेरे साथ चलो। चलो बेटा। मेरी बच्ची, तुम्हें कल रात से खाना नहीं दिया ना, अब मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें इस तरह भूखा कभी नहीं रखूंगी। कल रात से मेरी बच्ची रोए जा रही थी, अब उसे जरा शांत देख के अच्छा लग रहा है। किरण, पानी। लाख लाख शुक्र है, पा वक्त पर आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे अपनी बच्ची को फर्श पे गिरा हुआ खाना नहीं देना पड़ा ना, तो क्यों चिंता कर रही है? आने वाले कल की फिक्र है मुझे माँ। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी बच्ची को खाना दे पाई, लेकिन कल का क्या माँ? कल अगर पवित्रा ने वापस ऐसा कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी माँ? हम सब मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले कल की चिंता तू मत कर, वो सब उस पर छोड़ दे जो आने वाला कल तय करता है। हर बुरे काम को रोकने के लिए भगवान एक मसीहा भेजता है, आज वो मसीहा बात है, कल कोई और होगा। भगवान की पूजा करती है ना तू, उस पर सिर्फ भरोसा करना सीख, फिर सब ठीक हो जाएगा। से जाना चाहिए, हाँ, है ना? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उठ जा बेटा। इनके पैर में मोच आई है, इन्हें कम से कम 2 हफ्ते रेस्ट की जरूरत है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? 2 दिन बाद डांस कंपटीशन है, हम नंदगांव से राजपिपला उसी के लिए आए। कंपटीशन तो क्या, इन्हें तो ज्यादा चलना फिरना भी नहीं चाहिए,
मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, एक हफ्ते तक इन्हें देते रहिए, दिन में दो बार। जी डॉक्टर साहब। और याद रहे, इस पैर पर ज्यादा दबाव ना दें। अलमारी पर गुस्सा निकालने से क्या फायदा मेरी जान? अगर गुस्सा करना ही है तो उस सरस्वती पर करो। ये दूसरी बार सिर उठाने की जुर्रत की है उसने। सिर कुचल दूंगी उसका। समझती क्या है कि मेरी बेइज्जती करके इतनी आसानी से बच जाएगी? मैं उसे यूं ही जाने दूंगी? नहीं रसीली भाई, सरस्वती अभी इस कजरी को नहीं जानती। उसकी हर एक होशियारी का गिन गिन कर बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी कचरी नहीं। बदला तो लेना है मेरी जान, पर कोई तरीका सोचा है? ऐसा तरीका सोचा है रसीली भाई कि आइंदा वो अपना सिर उठाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, अब कुछ भी नहीं बाकी रहा। नूपुर नृत्य केंद्र को एक नया जीवन दान मिलने वाला था, अब वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी इस कला पर निछावर कर दी। इस मौके पर मेरी और नूपुर नृत्य केंद्र की नींव टिकी हुई थी। वो खोया हुआ मान, महिमा, इसकी प्रतिभा, सब कुछ इस कंपटीशन के जीत पर निर्भर था। ये मौका भी मेरे हाथ से चला गया, मैं क्या करूं? सॉरी मौसी जी, पर मेरी वजह से हम परसों के कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मौसी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भूमि, नहीं, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? तुमने तो मेरा साथ हमेशा दिया है, तुमने तो उस वक्त मेरा साथ दिया जब किसी ने मुझ पर या नूपुर नृत्य केंद्र पर या इस कला पर भरोसा नहीं किया। मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि परसों कंपटीशन है, इस बात का डर नहीं है कि हम हारेंगे, डर तो इस बात का है कि हम कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे। नंदगांव में अब नूपुर की झनकार कभी नहीं सुनाई देगी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, मर गई है कला। नहीं राधा जी, कला कभी नहीं मरती, और ना ही कोशिश करने वालों की उम्मीद। राधाजी, अगर आप कहे तो क्या मैं भूमि की जगह डांस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ?